इस वीडियो में तबले के साथ कैसे बजाना है इसको मैं समझा रहा हूँ। तबला में विलंबित लय चलती है जो कि एक सेकंड के लगभग चलती है, एक मात्रा। तो इसमें देखेंगे कैसे तीन ताल का बोल क्या चलता है, जैसे धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा, ये खाली है। तीन तीन ता तीसरी ताली ता धिन धिन धा। अब गिनती करेंगे तो एक दो तीन चार पांच छः सात आठ, ये नौ खाली है। दस ग्यारह बारह तीसरी ताली, तेरह चौदह पंद्रह सोलह एक। तो बारह मात्रा से गत शुरू करनी है, ये दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और तबले के साथ। लेकिन अब मात्रा को गिन करके कैसे बजाएंगे या बिना गिने कैसे बजाएंगे, तो गौर करेंगे कि जहां पर 12वीं मात्रा वहां का बोल है ता और ता, उसके पहले 10 11 मात्रा का है तीन तीन, यानी यहां पे बायां नहीं बजता है। तो जब वो पहला तीन की आवाज यानी 10वीं मात्रा, दूसरा तीन की आवाज 12वीं 11वीं मात्रा, और उसके बाद गत शुरू कर देंगे। तो इसमें देखें कैसे बोल रहे हैं हम, जैसे तीन की आवाज आएगी आप सावधान हो जाएंगे। ये पहला तीन गया, ये दूसरा तीन गया और फिर से एक बार देखेंगे। अभी हम काउंटिंग नहीं कर रहे, कुछ काउंटिंग नहीं कर रहे, खाली तबले का साउंड सुनेंगे। तीन यानी 10वीं मात्रा, तीन दूसरा तीन यानी 11वीं मात्रा, और ता 12वीं मात्रा से शुरू करना है। ये पहला तीन, ये दूसरा तीन और ये पहला तीन दूसरा तीन। तो बीच में सितार छोड़ करके तबले के साथ फिर उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर गत आ रही है। तो बड़े बड़े कलाकार या हम लोग ऐसे ही बजाते हैं, तान रट के नहीं बजाते। तो उसमें सम पर या सम के बाद गत को छोड़ देंगे और बीच में विस्तार करेंगे, जैसे यहाँ विस्तार में कर रहा हूँ। छोड़ दिया, अभी हमें गत को पहला तीन दूसरा तीन